अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? और आप सबको रमज़ान मुबारक। तो इस वक्त जो है वो होने लगी है थोड़ी सी रमज़ान डेकोरेशन। यहाँ पे ये गिफ्ट पैक है जिसमें मुझको मेरी फ्रेंड ने रमज़ान का गिफ्ट दिया है। ये डेकोरेशन पीस है जिस पे लिखा हुआ है रमज़ान करीम, और इसके साथ गिफ्ट बैग में है मौजूद बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर। साथ में मेरे पास यहाँ पे हैं दो जो है वो मैं लेकर आई हूँ बैनर और एक ही डेकोरेशन पीस। बच्चों को काफ़ी लगी हुई थी कि हम जो है वो रमज़ान के लिए डेकोरेशन करते हैं, तो ये मैं दो चीज़ें लेकर आई थी। यहाँ पे स्टोर्स हैं और वहाँ पे रमज़ान और ईद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन यहाँ पे मौजूद होता है। और आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी आप लोगों को बहुत सी जगहों पर बहुत सी अच्छी अच्छी वैरायटी मिल सकती है, तो आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये लाइट्स हैं, तो ये लास्ट ईयर की थी जो मैंने यूज़ की थी। और साथ में यहाँ पे मेरे पास है ग्लास स्प्रे, ये भी मैंने लास्ट ईयर ही की रखी हुई है, जिसको मैंने यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से पैक कर दिया था। और बॉक्स में मेरे पास है लाइट टैन, और ये भी लास्ट ईयर की है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी हो तो लास्ट ईयर भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से रमज़ान के हवाले से डेकोरेशन की थी, तो उसमें मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो इसको इसी तरह से मैंने पैक करके रख दिया था, और ये चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं, वैसी की वैसी चमक रही हैं। तो ये वो बफे एरिया है जिसको मैं सेट करूँगी इस वक्त बच्चों के साथ। यहाँ पे ये मेरा मेन जो है वो एंट्रेंस डोर है जहाँ से हम लोग सब एंटर होता है, और साथ ही फ़ौरन से ये बफे एरिया आता है, और इसी को मैं जो हूँ सेट करूँगी। जो ऊपर की साइड पे जो है वो मैं बैनर लगा दूंगी, और नीचे की साइड पे मैं लाइट्स, और उसके बाद फिर बफे के ऊपर मैं डेकोरेशन पीछे रखूंगी। तो फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से सब चीज़ें बफे के ऊपर जो रखी थी उनको हटा रही हूँ। फिर क्योंकि मेरा बफे के ऊपर ग्लास है, तो मैं पहले ग्लास क्लीनर से सब अच्छे से सफाई कर दूंगी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ देखने और सीखने को मिली है वो ये है कि जब रमज़ान आ रहा होता है तो लोग जो हैं वो अपना घर सजाना शुरू कर देते हैं, कि बहुत ही बाबरकत महीना है, इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वेलकम करना चाहिए। यहाँ पे बच्चे उसी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर जो ज़ोर दिया जा रहा होता है वो रोल, समोसे, चटनियाँ, कबाब बना के फ्रीज़ करने में, और आजकल हर चैनल पर जो है वो आप देख लें आपको यही चीज़ें मिल रही होती हैं कि रमज़ान से पहले क्या कर रहे होते हैं। मैंने जो है वो इस चीज़ को ना मैं अपने चैनल पे कभी इस तरह की चीज़ दिखाने के पसंद करूँगी, और क्योंकि हर दूसरा बंदा ये दिखा ही रहा होता है। मैंने पिछले साल से ये चीज़ शुरू की है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि हमें रमज़ान का जो है वो वेलकम अच्छे तरीके से करें। और शुक्र है कि बच्चों में ये चीज़ और ज़्यादा आई है, कि यहाँ पर जिस घर में भी चले जाएँ वहाँ पर उन लोगों ने एक एरिया अपना ले लिया है घर का, और उस एरिया को उन्होंने रमज़ान के हवाले से उसका सेटअप करना शुरू कर दिया। तो अब मैंने भी पिछले साल से जो है वो ये चीज़ शुरू की है, और मेरे बच्चे भी जो है वो अब इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों में को ज़्यादा अहमियत दें, ताकि बच्चों को भी सीखने को मिले। ये खाने पीने का जो है ये तो चलता रहेगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए कि बच्चों को बताएं, सिखाएं और दिखाएं। तो ये मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की अच्छी वीडियोस शेयर करूं। तो बस अब यहाँ पे ये डेकोरेशन पीसेस अब हम सेट करना शुरू कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा सामान जो है वो डेकोरेशन पीसेस रख के बहुत ज़्यादा भरने की उसमें नहीं हूँ, थोड़ा हो अच्छा हो और अच्छा लगे।
यहाँ पे रमज़ान मुबारक के बैनर लग चुका है, लाइट्स लग चुकी हैं और बफे जो है वो तकरीबन सेट हो चुकी है। बस एक छोटी सी चीज़ रह गई है और वो ये है कुरान। ये मेरी एक और दोस्त है, बहुत ही अच्छी, उसने बहुत ही प्यार से और बहुत ही खूबसूरत सा ये मुझको गिफ्ट दिया था। ये कुरान है, इसको मैं इसी तरह से नहीं रखूँगी, इसको मैं इसी के बॉक्स में पैक करके रखूँगी, क्योंकि अमूमन घर में छोटे बच्चे होते हैं, मेरे घर में ख़ुद भी छोटी बेटी है, इसी तरह से हाथ कहीं लगा है तो बेट भी होती है, तो बेहतर है कि मैं इसको इसी तरह से बॉक्स में पैक करके रखूँ। तो यहाँ पे अब जो है वो हमारा पूरा रमज़ान का सेटअप हो चुका है और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, पहला रोज़ा है, आप लोग भी जाएं और थोड़ा ही बहुत सामान लेकर आएं और अच्छा सा डेकोरेट करें बच्चों के साथ मिलके, बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों के साथ अच्छी और थोड़ी सी अलग मुनफरिद सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को पसंद आए और कुछ सीखने का भी मौका मिले। तो बस यही दुआ है कि ये साल हम सब के लिए बरकत रहे, खुशियों वाला हो और साथ में मुझको भी आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर कोई अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।